In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305-631-9464. This is ESL Academy of Linguistics and Literature. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, today we'll discuss Casting and Gathering by Seamus Heaney. Seamus Heaney influenced the टेड ह्यूज से. टेड ह्यूज ने जैसे वो फिशेज के बारे में लिखा था, तो ये बेसिकली उसको उसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, लेकिन इसमें मल्टीपल थीम है. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता जाता हूँ, आप उसको लिख लें. इंटरप्रिटेशन इसकी यूँ है कि ये पोएम जो कास्टिंग का मतलब होता है डालना, फेंकना, सीड को फेंकना या सीड को फर्टिलाइज्ड लैंड में डालना, उसके बाद गैदरिंग करना, उसको हार्वेस्टिंग में ले लें. अब उसने वो टू पॉइंट्स जो है, टू अपोजिट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करते हैं. ये दोनों जो हैं प्रोसेस हैं किसका, हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग के या कल्टीवेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं दोनों. इन दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज का नाम ही लाइफ है, या वो कहता है लाइफ जो है उसके टू बैंक्स हैं. एक जो एक है राइट बैंक और दूसरा है लेफ्ट. जो लेफ्ट पे खड़े हैं उनको आप कह लें कि वो सोशलिस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, वो चाइना या रशिया के लोग हैं. दूसरे साइड पे कैपिटलिस्ट हैं या जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं वो हैं. कहता है दोनों आइडियोलॉजीज हैं, दोनों एक है, एक ने तरक्की कर ली है, प्रोग्रेस हासिल कर ली है, दूसरा प्रोग्रेस कर रहा है. इन दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज का ही नाम लाइफ है. जिंदगी एक रिवर है, उसका एक बैंक जो है वहां पे राइट, एक उसका राइट बैंक है उसका जो किनारा है, दूसरा जो है वो लेफ्ट है. लेफ्टिस्ट जो लेफ्ट साइड पे हैं वो कहेंगे कि हमारी एक सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, दूसरे कहेंगे कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है. वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज, रेकंसीलेशन, रिकंसीलेट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, फिर ही प्रोग्रेस है. कंट्रेरिनेस के दरमियान की कोई जगह जो है, कहता है यहाँ प्रोग्रेस है. जिंदगी का नाम ही ये है. ये पॉइंट लिखते जाएं. दिस पोएम कास्टिंग एंड गैदरिंग प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट करता है, एन ओवरव्यू ऑफ इंटरप्ले ऑफ सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस. हैनी कहता है कि वो डिफरेंट ओपिनियन के दरमियान कॉम्प्रोमाइज करके जीना, रिकंसीलेट करना, नॉर्मलसी क्रिएट करना, डिस्टेंस को कम करना ही लाइफ है, प्रोग्रेस इसमें है. एक लेफ्ट बैंक है रिवर का, तो दूसरा क्या है, राइट है. एक में सोइंग कर रहा है, सो का मतलब होता है सीड को सो करना, यानी बीज बो रहा है, दूसरे साइड पे कोई हार्वेस्ट कर रहा है. जो बीज बो रहा है वो प्रोग्रेस कर रहा है उसने, तो दूसरा जो है वो हार्वेस्ट कर रहा है, वो काट रहा है, फसल उठा रहा है, तो वो दूसरे के ऊपर मजाक ना करे. वो उसने अभी डाला बीज, तो वो जो है वो उठा रहा है फसल को, तो क्रॉप्स एक कोशिश कर रहा है, एक ने कोशिश कर ली है, एक प्रोग्रेस कर रहा है, एक प्रोग्रेस नहीं अभी कर रहा, वो कर लेगा इन फ्यूचर. तो जो कर रहे हैं वो दूसरों को समझते हैं ये हकीर है. कहता नो, वी शुड क्रिएट कॉम्प्रोमाइज, रिकंसीलेशन इन अ वे टू गेट मोर प्रोग्रेस. कंट्रेरिनेस जो है इसके दरमियान कॉम्प्रोमाइज का नाम प्रोग्रेस है, लाइफ है. डिफरेंट व्यूज के साथ जीना, डिफरेंट कल्चर और थॉट्स और इनके दरमियान हार्मनी लाना, कॉम्प्रोमाइज करना. ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ रहा है. वो बात करता है रूसो की. रूसो की लाइफ जो है, ये रूसो एक फ्रेंच फिलासफर था, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख लें. ये 1712 में पैदा हुआ था, ये 1778 में इसकी डेथ हुई थी. ये फ्रेंच फिलासफर था, ये पेंटर था, ये सोशल रिफॉर्मर था. ये कहता है कि जिंदगी के अंदर सोसाइटी जो है, वो कहता है कि सोसाइटी उसकी पावर होनी चाहिए, एज जो एब्सोल्यूट पावर है ना,
किसी कंट्री की, किसी नेशन की या किसी कौम की, वो एज अ सोसाइटी में देखनी चाहिए. यानी सोसाइटी शुड बी गिवन वैल्यू, सोसाइटी शुड बी एम्पावर्ड, इट शुड इंजॉय एब्सोल्यूट पावर. लेकिन आपको बताएगा हीगल के एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए और दूसरे सारे लोग जो हैं उसको ओबे करें. कोई भी वो पावर हो सकती है, चोजन पर्सन कोई भी हो सकता है. वो इसमें हमने पहले भी रसल ने भी इसमें डिस्कस किया कि उसने कहा कि हीगल जो है वो पैरोकार है. किसका? हीगल पैरोकार है प्लेटो का. प्लेटो भी एक एब्सोल्यूट पावर का कायल था, एक सुपरनेचुरल, एक आइडियल पावर का कायल था कि एक होनी चाहिए. ये फिलासफी किसको जन्म देती है? उसने कहा था रसल ने कि ये फिलासफी क्या पैदा करती है? हिटलर, नाजी, डिक्टेटर, फैशिस्ट गवर्नमेंट लाइक दैट. और दूसरी फिलासफी है रूसो, कहता है रूसो एक फ्रेंच फिलासफर है, वो कहता है कि सोसाइटी शुड बी गिवन वैल्यू, सोसाइटी एज अ होल शुड इंजॉय एब्सोल्यूट पावर. सो रूसो इज हैविंग अनदर व्यू. ये टू आइडियोलॉजी हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम कहता है इसको कम होना चाहिए था, डिस्टेंस को रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिस्टेंस बढ़ता गया, इसको किसी ने रिकन्सिलेट नहीं किया. कहता मैंने, पोएट कहता है इसके अंदर कि मैं काफी सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, दोनों का मकसद एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है, चाहे वो रूसो हो, चाहे वो हीगल हो, या कहता है कि जो डिफरेंट लोग हैं वो अपनी आइडियालॉजीज में, वो भी उनका मकसद भी एंड प्रोडक्ट बनाना है, किसी चीज को कंप्लीट करना है. जैसे कहता है एक बीच बो रहा है, एक काट रहा है फसल को, तो दोनों जो है अमल को प्रोसेस करते हैं. भाई एक ने ग्रो किया है, एक ने फेंका है बीच, तो दूसरा उसको काट रहा है. अब ये नहीं कि जो दूसरे किनारे पे खड़ा है, भाई मैं, आपने जाल फेंका है तो दूसरे जो पहले फेंक चुके हैं उनमें मछलियां बहुत ज्यादा आ गई हैं और वो मछलियों को पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं और जिन्होंने फेंका है उनके ऊपर हंसने लग जाए. नो, इट्स नॉट गुड आइडिया. वी शुड क्रिएट कॉम्प्रोमाइज, वी शुड क्रिएट रिकन्सिलेशन, वी शुड ब्रिंक रिकन्सिलेशन इन डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड व्यूज टू स्पेंड अ गुड लाइफ, टू एंजॉय लाइफ. तो ये है, ये पॉइंट्स आप लिखते जाएं. रूसो की जो डेट ऑफ बर्थ है, फ्रेंच फिलासफर है, 1712 में पैदा हुआ, 1778 में डेथ हुई है इसकी, और फिलासफर है, पेंटर है, सोशल रिफॉर्मर था. ठीक है जी, बात करता है किसकी? फ्रीडम और अथॉरिटी के बारे में कमेंट देता है. कहता है कि सोसाइटी शुड एंजॉय एब्सोल्यूट पावर, सोसाइटी शुड एंजॉय एब्सोल्यूट पावर. तो उसके बाद हीगल जो है वो किसकी बात करता है? जर्मन फिलासफर है, फ्रीडम और अथॉरिटी की बात करता है. और उसके बाद इंसान जो है सेंचुरी से, काफ़ी सेंचुरी से ये ट्राई करता रहा है, कोशिश करता रहा है, उसने बहुत ज़्यादा इंडेवर किया है कि वो रिकन्सिलेट करे कि इसको टू व्यूज़ को, टू आइडियालॉजी को. फर्स्ट क्या है कि सोसाइटी एब्सोल्यूट पावर, सोसाइटी कम्युनिटी इंजॉय करे एब्सोल्यूट पावर. एक है जी इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, एक सिलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, उसको ओबे करें लोग. ठीक है जी, वो कहता है दोनों आइडियोलॉजीज जो हैं बेसिकली एंड प्रोडक्ट बनाने का एक प्रोसेस है. जैसे एक एक जाल डाल रहा है, एक ने पहले डाल लिया वो मछलियां कलेक्ट कर रहा है, एक ने डाल लिया वो, उसको आप बेवकूफ ना जाने, आप उसको कम अकल ना कहें, आप उसको लेस प्रोग्रेसिव ना कहें. वो भी इस अमल में है, वो भी कभी तरक्की कर लेगा, वो भी कभी मछलियां पकड़ लेगा. तो ये तो एक प्रोसेस है किसी एक एक एंड को, एक फाइनल ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने का. उसमें वो डिफरेंट फिर आइडियोलॉजी देता जाता है और वो आपको समझाता जाता है. देखिएगा, इंडिविजुअल एक इंफरादी, एक होती है सोसाइटी की पावर कि सारे लोग जो हैं उनको, जैसे आप देखें अगर आप कम्युनिज्म में जाएं, कम्युनिज्म को देखें तो कम्युनिज्म में क्या है? कम्युनिज्म में कंट्री जो है आपको एज अ होल जो है वो गवर्न करता है, सारे लोग, अदारे जो हैं वो सारे गवर्नमेंट को
एम्पावरमेंट कर रहे हैं, अदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। सोशलिज्म या कम्युनिज्म रशिया और चाइना के अंदर मौजूद है। आप देखें कि वहाँ पे कैपिटलिज्म वाला निज़ाम नहीं है कि एक बंदा जो है वो पैसा बनाता जा रहा है और बहुत ज़्यादा अमीर है, वो बिल गेट बन गया, वो जेफ बेजोस बन गया, या उसके पास सारे कंट्री की दौलत आगे इकट्ठी होगी। नो, देयर गवर्नमेंट हैव अ स्ट्रिक्ट रूल ओवर देयर, गवर्नमेंट इज नॉट गोना लेट यू टू कलेक्ट सच अ ह्यूज अमाउंट मनी। इस तरह की ह्यूज अमाउंट और आपको दौलत कलेक्ट नहीं करने देती सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम है, आप डेमोक्रेसी में चले जाएं, डेमोक्रेसी में एक बंदा चाहे जितना मर्जी पैसा बनाए, जितने मर्जी वो बिजनेस लगाए, जितना मर्जी सेटअप करे बिजनेस, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम है। एक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, एक सोसाइटी की ताकत की बात करता है। पावर जो है एक साइड पे क्या है, सोसाइटी की पावर है, एक साइड पे इंडिविजुअल बंदे को आजादी होनी चाहिए। तो यहां पे डिफरेंट व्यूज हैं। देखिएगा, फिर मैंने बताया कि वो कहता है कि ये दोनों एक किनारे हैं एक ही रिवर के, एक हैं लेफ्टियस्ट दूसरे हैं राइटियस्ट। राइटिस्ट जो राइटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम जो हैं प्रोग्रेसिव हैं, वो जो हैं लेस प्रोग्रेसिव हैं। राइटिस्ट को आप कह लेंगे ये कैपिटलिस्ट हैं, इसमें यूएसए ले लें, इसमें यूनाइटेड किंगडम ले लें, इसमें रशिया, इसमें आप फ्रांस ले लें, जर्मनी ले लें, इस तरह के बड़े बड़े मुल्क। दूसरे साइड पे आप जो लेफ्टिस्ट पीपल हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं उनको आप ले लें, उसमें चाइना ले लें, उसमें रशिया ले लें, उसमें दीगर जो कम्युनिज्म के हामी हैं वो ले लें। अब ये इन्होंने तरक्की कर ली है, वो उनको कहेंगे कि ये हम जो हैं ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम बड़े डेवलप्ड हैं, ये अभी डेवलप नहीं। आप देखें सीमस हीनी की बात जो है वो काफ़ी हद तक ये साबित हो रही है कि दोनों आइडियोलॉजी अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं। इस वक्त चाइना जो है वो यूएसए की मार्केट पे भी को भी ओवरलैप कर रहा है। यूएसए को ये खदशा लाहा है कि जो हमारी मंडियां हैं उसके ऊपर भी चीन छा रहा है। 5G के ऊपर वो काम कर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी उन्होंने डिस्कवर कर ली है चाइनीज पीपल ने। तो चाइनीज जो हैं हर जगह पे तरक्की कर रहे हैं। अब वो तो सोशलिज्म के कायल हैं, वो तो कम्युनिस्ट हैं, जैसे वो चाइनीज जो रशियन है वो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो कहते हैं ये आइडियोलॉजीज हैं। एंड एक ही वो भी कहते हैं ह्यूमन वेलफेयर होने चाहिए, ये भी ह्यूमन वेलफेयर होते, क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ करके कहता है इनको इकट्ठा कर लिया जाए। तो ज़िंदगी भी कंट्रेरीनेस के दरमियान एक कहता है कि रिकन्सिलेशन का नाम ही तो ज़िंदगी है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट नाउ। कास्टिंग एंड गैदरिंग, कास्टिंग, कास्टिंग को आप समझ लें कि सी को आप सीड को ग्रो कर रहे हैं, आप उसको डाल रहे हैं। कास्टिंग का मतलब है डालना और गैदरिंग का मतलब है हार्वेस्ट करना। ये कोई जाल हो सकता है जो मछलियों के लिए फेंका जा रहा है, दूसरे जो है किनारे पे एक किनारे पे फेंक रहे हैं, दूसरे किनारे वाले सोच रहे हैं कि वो भाई लेस प्रोग्रेसिव है, हम तो कलेक्ट कर ली है, हमने डेवलपमेंट कर ली है, तो ये तो अभी कर रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर हंस रहे हैं, फर्क बढ़ता जा रहा है। बेसिकली पोएट जो है देख रहा है लोग जाल डाल रहे हैं, एक किनारे पे खड़े हैं, वो जाल डाल रहे हैं और मछलियों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पे वो उन्होंने जाल डाला और बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं, वो कलेक्ट करके अब इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर हंस रहे हैं। और यहाँ पे पोएट हमारा ये कहता है नो इट इज़ नॉट गुड, वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, वी हैव टू गेट कॉम्प्रोमाइज, वी हैव टू रिकन्सिलेट बिटवीन टू आइडियालॉजी एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें कॉन्ट्रेरीनेस जो है, हमें जो कॉन्ट्रेरी आइडियाज हैं, आइडियालॉजीज हैं, उनका एहतराम करना चाहिए और उसमें कॉम्प्रोमाइज ला के जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, उसको हासिल करना चाहिए रिगार्डलेस इस चीज़ इसका रिगार्ड किए बगैर कि उसका आइडियालॉजी क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका पॉलिटिकल आइडियालॉजी क्या है, उसकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्या है। इन चीज़ों से हट के हमें एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहिए। कहता है उसने कहा कि दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं जब जाल फेंका जाता है, एक है हश, उसको उसका नाम लिख लें फियर, दूसरा लश। ये कहता साउंड प्रोड्यूस होती है जब जाल फेंका जाता है, जो हश है वो फियर को जाहिर करता है, जो लश है वो जोय खुशी को जाहिर करता है। ये दो ये सिंबलिज्म है। और
मैंने आपको बताया कि ये पोइट जो है ना, ये आम लोगों को डिस्कस करता है, अपने इलाके के लोगों को डिस्कस करता है, उनकी एक्टिविटी को डिस्कस करता है, नेचर को डिस्कस करता है। टेड ह्यूज से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इससे, तो वैसी बातें करता है। सीमस हीनी नेचर, डेथ ऑफ द नेचुरलिस्ट ने लिखी है, नेचर को डिस्कस करता है। सीमस हीनी 1939 में पैदा हुआ है और 2013 में डेथ हुई है। सीमस हीनी इन्फ्लुएंस्ड है किससे? टेड ह्यूज से। काफ़ी हमें इसकी पोइट्री से मिलती जुलती लगती है। तो यहाँ पे देखिएगा, रिवर के अंदर जो शोर है वो दो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक है हश और दूसरा लश। हश फियर है, लश जो है वो जोए, जोए का जाहिर करता है। कास्टिंग का मतलब लिख लें, ये सारे मैं पॉइंट्स हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन करूँगा। कास्टिंग का मतलब होता है सोइंग सीड, सीड को सो करना, बोना। गैदरिंग का मतलब हार्वेस्ट करना। इसको और मानी में ले लें, क्योंकि सिंबलिज्म यूज किया तो हम इससे और मानी निकालेंगे। कास्टिंग का मतलब है जाल को फेंकना, गैदरिंग का मतलब है मछलियां इकट्ठी करना। दो किनारे हैं, एक किनारे पे खड़े लोग डाल रहे हैं, दूसरे कलेक्ट कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं वो दूसरों पे हंस रहे, कहता है ये पैराडॉक्स उसने सामने रख दिए। लेकिन इस पैराडॉक्स को कहता है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज करके जीना और प्रोग्रेस करना, क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो सेम ही है ना। अब एक बंदा बीच बो रहा है, तो अब उसका जो फाइनल है, जब वो बोएगा तो वो फिर उसको उसकी रिपिंग करेगा या उसको हार्वेस्ट करेगा या कल्टीवेट करेगा। अब ये कहता है पूरा प्रोसेस है, हमने एंड प्रोडक्ट हासिल करनी है। इसी तरह कहता है आइडियाज जो हैं वो कंट्रेरी होते हैं, हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ले लें दो, हेनी ने पैराडॉक्स यूज किया है यहाँ पे, उसने हश और लश का वर्ड यूज किया है। हश फियर को जाहिर करता है, लश खुशी को, मिंगल्ड किया उसने फियर और होप को, जोए को। कास्टिंग गैदरिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हमें शो करता है, किसमें? दो आइडियोलॉजीज के दरमियान। मैंने बताया कि एक रूसो की फिलॉसफी है, एक हीगल की फिलॉसफी है। तो इसने डेड, ये एक राइटर है, उसका नाम है एंड्रियो बॉबियर्स, उसने कहा कि डेडिकेट टू हिज फ्रेंड टेड ह्यूज, ये उसने डेडिकेट की है टेड ह्यूज को। कास्टिंग एंड गैदरिंग, एक है लेफ्ट साइड पे लोग हैं, एक राइट साइड पे हैं, उनके दरमियान एक रिवर है, ठीक है। एक किनारे पे लोग खड़े हैं, दूसरे किनारे पे, राइटर वहां पे देख के उस नज़ारे को इंजॉय कर रहा है। टू स्टेजेस बताई हैं उसने फार्मिंग की, फार्मिंग की भी टू स्टेजेस हैं, सोइंग करना, सो करना बीज को, और दूसरा फिर उसको कल्टिवेट करना, उसको हार्वेस्ट करना। तो कहता है कल्चर ऑफ टॉलरेंस और कॉम्प्रोमाइज रेकन्सिलेशन, ये है जी अल्टीमेट, कहता है हम इसके जरिए अल्टीमेट पीस और हार्मनी को प्रमोट कर सकते हैं अगर हम इसको समझ लें, दोनों के दरमियान अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। उसमें उसके बाद कहता है कि आगे देख लें, सोइंग रीपिंग, आप ऐसा करें कि अपने पेज पे लिख लें सोइंग प्लस रीपिंग इज इक्वल टू क्रॉप्स। अगर आपने कोई क्रॉप्स जो है हासिल करनी है, उसको हार्वेस्ट करना है या उसको उसका रिजल्ट हासिल करना है, तो वो कहता है एक साइड पे आप डालेंगे नेट को, कास्ट करेंगे, दूसरी साइड पे गैदर करेंगे। तो सोइंग प्लस रीपिंग इज इक्वल टू, यानी हार्वेस्टिंग या कल्टीवेशन इज इक्वल टू क्रॉप्स, आपको क्रॉप्स मिलेगी, फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये दोनों कहता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये फिलॉसफी जो है सोसाइटी जो है वो कहता है डिवाइडेड है। होना ये चाहिए था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिफरेंस जो है सदियों से चला आ रहा था, डिफरेंट फिलॉसफीज जो थी, इनमें डिस्टेंस रिड्यूस होता और कॉम्प्रोमाइज के जरिए हम प्रोग्रेस करते। लेकिन हमने इस डिस्टेंस को कहता है बढ़ाया है। या एक और मिसाल देता हूँ, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। आप जिस स्कूल में काम करती हैं, आप उसकी एज अ एम्प्लॉई हैं, आप उनके वर्कर काम कर रहे हो। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको हायर करता है, आपका ओनर। ओनर प्लस वर्कर्स इक्वल टू ह्यूमन वेलफेयर। आप अपने अदारा, जिस अदारा के यानी ओनर के साथ वर्क कर रही हैं एज अ एम्प्लॉई, एज अ वर्कर, एज अ टीचर या वट एवर यू आर वर्किंग फॉर देम, आप दोनों मिलते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कहता है एक प्रोसेस है कास्टिंग और गैदरिंग का भी।
ये एक प्रोसेस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, और ये अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट को जनरेट करता है। आप वहां पे काम करती हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर और ह्यूमन प्रोग्रेस कर रही हैं, ह्यूमन वेलफेयर कर रही हैं, एंड प्रोडक्ट बना रही हैं, डेवलप कर रही हैं बच्चों के माइंड को, उनको टीच कर रही हैं, उनको गाइड कर रही हैं, उनको काउंसलिंग कर रही हैं, उनको टीच कर रही हैं, उनको उनके लिए एज अ फैसिलिटेटर काम कर रही हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ, जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर आप उसकी उसकी राय को नहीं मानते या उसके सिलेबस को नहीं पढ़ाते या आप उनको उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं चलते तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन का नाम ही कहता है प्रोग्रेस है। हमारा मकसद है, कहता है कि मिल के इन आइडियालॉजीज को साथ साथ लेकर चलना, चाहे वो वर्कर की शक्ल में है चाहे वो ओनर है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है रिड्यूस करना मकसद था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज इंक्रीजिंग। दिस इज व्हाट पोएट वांट वन से अस। सो कम हियर, मैंने आपको स्नैपशॉट सेंड किए, इनको जरा देखिए। कास्टिंग एंड गैदरिंग फॉर टेड ह्यूज, ये किसको डेडिकेट किया? टेड ह्यूज को। Years and years ago, these sound took aside. Just have a look on the stanzas. Stanza ke upar dekhen, uske baad main isko line to line karta hun. Years and years ago, these sound took sides. On the left bank, a green silk tapered cast. Tapered cast ka matlab likhe net. Cast hota phenkna. Went whispering through the airs, saying hush, hush का मतलब लिखें fear, खौफ, and lush, joy, hope, entirely free, no matters whether it swished, swished का मतलब लिखें flutter, फटफड़ाना, above the hay field or the river, hay field का मतलब लिखें ये grass होता है, ये ग्रास टाइप होता है, ये ग्रास काटने के लिए जिससे फूडर बनता है चारा जानवरों के लिए, और द रिवर्स ऑन द राइट बैंक लाइक अ स्पीडेड अप कॉर्न क्रैक। कॉर्न क्रैक का मतलब लिखें ग्रेन फील्ड, ऐसा फील्ड जिसके अंदर आपने कोई ग्रेन्स जो है उनकी उनकी उनको उगाया हुआ है या ग्रो किया हुआ है। अ शार्प रेचटिंग रैचेट, टी साइलेंट है, रैचेट इसकी प्रोनंसिएशन है, रेचटिंग, रेचटिंग का मतलब लिखें एक मशीन होती है। अ शार्प रेचटिंग वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये हमने टेड ह्यूज में भी पढ़ा, वो भी ऐसी चीजें यूज करता है और उसने डेडिकेट भी ये उसे अब उसको की हुई है। कटिंग अक्रॉस द स्टिलनेस एंड अनदर एज अनदर Fisherman's gathers line length of his reels. Reel का मतलब लिखें machine, reels. ये reels जो है ये क्या है? Reel machine है जो कि fish catch करने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे देखें एक और stanza, ये तीन और stanza है। कहता है I am still standing there, awake and dreamy. यानी पोएट जो है वहाँ खड़ा है और पोएट जो है वो बड़ा काफ़ी देर से काफ़ी अरसे से देखता रहा है और वो बड़ा मैच्योर्ड है इसके बारे में, उसने बड़ा जांचा हुआ है इन लोगों जो पकड़ रहे हैं, जो कास्टिंग कर रहे हैं और फिर पकड़ रहे हैं मछलियों। आई हैव ग्रोन ओल्डर एंड कैन सी देम बोथ, कहता है मैं अब काफ़ी मैच्योर्ड हो गया हूँ और मैं कहता है कि मैं दोनों को देख रहा हूँ देखता हूँ। मूविंग द आर्म्स एंड रॉड्स, रॉड्स का मतलब होता है स्टिक, वर्किंग अवे Each one absorbed, absorb का मतलब होता है गुम होना, यानी उनमें से हर ग्रुप जो है वो गुम है किसमें, proved by the sounds he is making, और वो क्या कर रहे हैं voiced, उनमें हर ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है वो ग्रुप साउंड, जब वो पकड़ रहे हैं मछलियों को तो आवाजें निकल आ रही हैं। वन साउंड इज सेइंग, एक साउंड कहता है यू आर नॉट वर्थ पेंस, तुम तो कहता है दो पेंस के बराबर भी नहीं हो। ये एक पेंस जो है एक करेंसी है,
वर्थ टू पेंस, यानी तुम तो टू पेंस के बराबर भी नहीं हो। एक जो है ग्रुप दूसरे को कहता है बट नीदर इज एनी बॉडी, कहता है उनमें जो एक उनमें यानी कोई भी ठीक नहीं, कहता वॉच इट, देखो कहता है बी स्वीयर, बी स्वीयर, बी स्वीयर का मतलब बी सीरियस। दादर से दूसरा कहता है गो विद इट, गिव एंड ये लिखें सवर्व का मतलब लिखें, सवर्व का मतलब है कि किसी चीज़ का अचानक मोड़ना किसी चीज़ का, सवर्व स्पेलिंग है एस डब्ल्यू ई आर वी ई, सवर्व, सवर्व का मतलब है कि अचानक मोड़ना किसी का, डिविएट कर लेना, सडनली डिविएट करना। यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर, यानी वो कहता है कि यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर्स। आई लव हार्स्ट एयर, आई लव हार्स्ट एयर का मतलब लिखें पीस, मैं कहता है कि पीस से मैं पीस को लाइक करता हूँ। आई ट्रस्ट कंट्रेरीनेस, मैं डिफरेंट ओपिनियन पे कहता बिलीव रखता हूं। पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है आई ट्रस्ट कंट्रेरीनेस, मैं कंस्टेरीनेस का मतलब लिख लें डिफरेंस ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं डिफरेंट ओपिनियन पे कहता है बिलीव रखता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। ईयर्स एंड ईयर गो पास्ट एंड आई डू नॉट मूव, कहता है साल हा साल गुजर गए हैं और मैं क्या हूँ, अपने पॉइंट से स्टिक हूँ, मैंने जो पॉइंट है मेरा मैं उस पर कायम हूँ। आई डू नॉट मूव फॉर आई सी दैट वेन वन मैन कास्ट, जब एक आदमी कहता है कास्ट करता है जाल डालता है, द अदर गैदर्स तो दूसरा गैदर करता है, यानी वो ओपिनियन की बात कर रहा है, एक काम कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए तो दूसरा भी कहता है उसमें अमल कर, दोनों जो है अपना प्रोसेस कर रहे हैं और ये एक एंड प्रोडक्ट बनाने का एक हिस्सा है, ये सारा प्रोसेस है, कोई दूसरे को बेहतर, वो अपने आप को दूसरे से बेहतर ना जाने। एंड देन वाइस वर्सा, और फिर कहता है इसी तरह वो एक डालता है दूसरा कलेक्ट करता है, दूसरा कलेक्ट करता है दूसरा फिर पहले वाला डालता है, तो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। विदाउट चेंजिंग साइट, विदाउट चेंजिंग साइट कहता है कि ये जो है कॉम्प्रोमाइज का अमल है, ये कॉम्प्रोमाइज है और ये प्रोसेस है कल्टीवेशन का या प्रोडक्शन का, ग्रेन्स का, क्रॉप्स का, कि वन पर्सन सो एंड द अदर हार्वेस्ट, सो द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना एंड हार्वेस्टिंग डज नॉट चेंज, दे गो साइड बाई साइड एंड वी हैव टू लिव विद कॉम्प्रोमाइज। ये जो आखिर वाली लाइन है विदाउट चेंजिंग साइड, इट मीन दैट कॉम्प्रोमाइज, वी हैव टू लिव लाइफ विद द कॉम्प्रोमाइज, इफ वी रियली वॉन्ट टू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। सोइंग एंड रीपिंग हैज समथिंग प्रोडक्टिव एम, दोनों का एम जो है वो क्या है, वो प्रोडक्टिव है, क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस जो हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं एंड वी हैव टू लिव विद देम, वी हैव टू, इफ वी रियली वांट टू एंजॉय हैप्पीनेस इन लाइफ वी हैव टू लिव विद द कॉन्ट्रेरीनेस, हमें कॉन्ट्रेरीनेस के साथ रहना है ताकि हम इंजॉय करें लाइफ को, अदरवाइज कहता है कि लाइफ जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती, कि अगर आप सिर्फ आप सोइंग के ऊपर बिलीव करें, आप सो कर दें, आप बीज जो है वो बो दें लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर भी तो कंप्लीट नहीं होता, अगर हार्वेस्ट ये समझे कि सोइंग के बगैर ही मैं काट रहा हूँ तो दैट इज इम्पॉसिबल। सो ओवर हेयर पॉइंट इज इम्फिसाइजिंग दैट वी हैव टू ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज इन आर आइडिया, वी शुड नॉट बी वेरी एक्सट्रीम इन आर आइडियाज, इफ वी आर एक्सट्रीम विद वन आइडियोलॉजी वी कांट लिव, वेदर दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म कम्युनिज्म और द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट की हो सोशलिस्ट की हो कौन सी आइडियोलॉजी है, हमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज के साथ जीना है, एम्प्लॉयर है या वर्कर है या एम्प्लॉई है, इसने कॉम्प्रोमाइज के साथ एंड प्रोडक्ट बनानी है, तो हार्वेस्टिंग और कास्टिंग जो है ये साथ साथ चलेगा। इंटरप्रिटेशन बड़ी सिंपल है, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगी, अगर आउटपुट वाला ये सोचे कि मैंने तो आउटपुट बगैर इनपुट के बगैर ही ले ली है और वो कॉम्प्रोमाइज ना करें इनपुट के साथ तो ही विल नेवर एवर गेट आउटपुट। मैंने इसको बड़ा सिंपल कर दिया है कि अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं
अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको इनपुट की ज़रूरत है। कास्टिंग को समझ लें कि वो इनपुट है, और हार्वेस्टिंग या फसल उठा रहा है जो, या वो जो मछलियाँ हासिल कर रहा है, एक ने नेट जो है फेंका है जाल, दूसरा जो है वो उससे मछलियाँ कलेक्ट कर रहा है, उसने इनपुट दी है, उसके बाद आउटपुट आ गई है। तो आउटपुट वाला ये ना कहे कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया हूँ, मैं तरक्की कर गया हूँ। इफ़ देर वॉज नॉट इनपुट, हाउ कुड ही गेट आउटपुट? सो इनपुट इज़ द पार्ट ऑफ द आउटपुट, तो दे आर द प्रोसेस टू गेट एंड प्रोडक्ट। इनपुट एंड आउटपुट गो साइड बाई साइड एंड इट इज़ अ प्रोसेस टू कम्प्लीट द एंड प्रोडक्ट। ये ओवरऑल उसका, उसने सेंट्रल आइडिया उसका बताया है। देखिएगा, मैं ज़रा लाइन टू लाइन करता हूँ। Years and years कहता है साल, साल आ साल, यानी साल कहता है साल, यानी साल और कहता है सालों से, कई सालों से, सालों पहले, अगो होता है पहले। These sound took sides, ये आवाज़ें जो हैं, ये different views जो हैं लोगों के रहे हैं। क्या view हैं? A green silk tapered cast, एक कहता है river के अंदर fish net जो है वो फेंका जाता है, when whispering through the airs, और कहता है ये whispering का मतलब होता है सरगोशी करना, और ये air से सरगोशी करता है, जब वो फेंकते हैं तो एक आवाज़ कहता है, सरगोशी की आवाज़ आती है, saying hush and lush, और वो नेट जो फेंका जाता है जाल में, वो दो आवाज़ें प्रोड्यूस करता है, एक हश और लश। हश जो है वो फियर, खौफ का साउंड है, और लश जो है वो जॉय, होप का साउंड है। यानी एक साइड पर जाल फेंका जाता है तो वो दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक लश और हश। ये दो आइडियालॉजी आप कंसीडर कर लें, और ये होप और फियर के साथ है। इंटायरली फ्री, नो मैटर वेदर इट स्विश्ड अबव द हे फील्ड आर द रिवर, और ये कहता है कि क्या करता है, ये प्रोड्यूस करती है आवाज़, जब वो डाला जाता है तो वो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, स्विशिंग की, स्विशिंग का मतलब लिख लें फड़फड़ाना, तो ये एक फड़फड़ाने की आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जो कि कहाँ से जाती है, जो कि अबव, किस से होती है, अबव द हे फील्ड आर द रिवर्स। नॉइस जो होती है वो किससे अबव होती है, किसके ऊपर आती है, हे फील्ड्स ये जो ग्रास वगैरह होते हैं, और उसके अलावा उसके साथ जो रिवर है, ये इसके ऊपर एक आवाज़ ही प्रोड्यूस होती है जब वो नेट फेंकते हैं। आगे कहता है दूसरे स्टैंजा में, ऑन द राइट बैंक, कहता है जो राइट साइड पे खड़े हैं उनको मैंने कहा कि कैपिटलिस्ट हैं, उनको मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक हैं लोग हैं, या आप इस तरह के लोग ले लें जो किसके कायल हैं, जो कैपिटलिज्म के कायल हैं। ऑन द राइट साइड, कहता है राइट जो बैंक का जो राइट साइड है, लाइक अ स्पीडेड अप कॉर्न क्रैक, उसमें कहता है कि बहुत सारे क्या हैं उसमें कहता है, इसमें कहता है द राइट बैंक हैड अ नॉइज एंड शार्प क्राइज ऑफ द मार्श बर्ड्स एंड द फार्म, इसमें कहता है बहुत सारे कॉर्न क्रैक हैं, ग्रेन फील्ड हैं, ग्रेन यानी जो आप कॉर्न के फील्ड्स हैं, मकई वगैरह और इस तरह के, कहता है बहुत सारे फील्ड्स हैं। अ शार्प रेचटिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और उसमें एक मशीन चल रही है बहुत तेज़, और वो क्या, ऑन एंड ऑन चल रही है, तेज़ है। कटिंग क्रॉस द स्टिलनेस एज अनदर, और वो कहता है काट रही है किसको, और वो कहता है कि नॉइज प्रोड्यूस कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा काट रही है। फिशरमैन गैदर लाइन लेंथ ऑफ हिज रील्स, और फिशरमैन जो हैं वो क्या, एक मशीन है उनके पास, वो उसके ज़रिए मछलियाँ जो हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। आई एम स्टिल स्टैंडिंग देयर, और मैं कहता वहाँ खड़ा हूँ, अवेक एंड ड्रीमी, और मैं थोड़ा सा जागा भी हुआ हूँ, और ड्रीमी यानी वो नींद के दरमियान हूँ, ड्रीमी भी हूँ और मैं ज़्यादा साथ अवेक भी हूँ। और आई हैव ग्रोन ओल्डर एंड कैन सी देम बोथ, मैं कहता काफ़ी मेच्योर्ड हो गया हूँ, मैं काफ़ी अरसे से इनको देख रहा हूँ और मैं दोनों को कहता देखता हूँ। मूविंग द आर्म्स एंड रॉड्स, रॉड्स का मतलब होता है स्टिक्स, वो अपने हाथों को मूव करते हैं और साथ अपनी स्टिक्स जो छड़ियाँ पकड़ी हुई हैं उनको कहता मूव करते हैं या उनको लिए हुए हैं हाथों में। वर्किंग अवे, और कहता काम कर रहे हैं। ईच वन ऑब्जॉर्ब्स प्रूफ्ड बाय द साउंड ही इज़ मेकिंग, और हर कोई जो उनमें है वो मगन है और वो प्रूफ्ड बाय द साउंड ही इज़ मेकिंग, और वो आवाज़ें जो हैं वो इर्द गिर्द उनकी आ रही हैं, जो वो पकड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें, वो खुशी से आवाज़ें निकाल रहे हैं। वन साउंड सेइंग, एक आवाज़ उनमें से कहती है, यू आर नॉट थम्पेंस, तुम तो कहता दो पेंस के बराबर, तुम्हारी कोई बुकत नहीं है, वो एक जो है ग्रुप दूसरे से कहता है।
और नीदर इज एन बॉडी कहता है, उनमें से कहता है जो कोई भी कहता है कि कोई मुनासिब उनकी राय नहीं है दोनों में से। वॉच इट देखो कहता है, इसको कहता है देखो, बी सवियर सीरियस हो, सीरियस हो कहता है, सीरियस बी सीरियस सीरियस रहें। आगे कहता है द अदर से दूसरा कहता है गो विद इट एंड गिव द सवर्ब, और दूसरा कहता है कि गो विद इट गिव एंड सवर्ब यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर। दूसरा कहता है कि एक कहता है कि सोसाइटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिविजुअल जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दूसरा कहता है यू आर एवरीथिंग यू फील बिसाइड द रिवर। दूसरा कहता है कि तुम जो हो वो सोसाइटी के साथ इंपॉर्टेंट हो। एक कहता है इंडिविजुअल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वही रूसो और हीगल की फिलासफी। दूसरा कहता है इंडिविजुअल इंफरादी शख्स की ज़्यादा वैल्यू है। आई लव हश्ड हेयर, मैं पीस चाहता हूँ कहता है। आई लव, मैं पीस से प्यार करता हूँ, अमन से प्यार करता हूँ। आई ट्रस्ट कंट्रेरीनेस, मैं डिफरेंट ओपिनियन पर ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव रखता हूँ। ईयर्स एंड ईयर गो एंड पास, आई डू नॉट मूव, कहता है इसमें बहुत सारे साल गुजर गए हैं लेकिन मेरा जो अकीदा है वो सेम है। फॉर आई सी दैट वेन वन मैन कास्ट, मैं ये बिलीव रखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जब एक आदमी जो है वो ग्रो करता है या नेट या जाल को डालता है, द अदर गैदर तो दूसरा हासिल करता है, दूसरा जो है वो मछलियाँ गैदर करता है। एंड द वाइस वर्सा, और इसी तरह कहता है निज़ाम चलता है विदाउट चेंजिंग साइड, और कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ के साथ वी द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन एम टू प्रोड्यूसिंग, और कहता है इसका मतलब ये चेंजिंग साइड का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है विदाउट चेंजिंग साइड कि वी हैव टू ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू, वन थ्रो नेट एंड अदर गेट और हार्वेस्ट, दिस इज द प्रोसेस एंड दैट इज वट वी हैव टू गेट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू स्टेजेस। These are the stages of life and we have to bring compromise between two. So this is what a writer is saying. आप ऐसा करें कि आप उस पर आ जाएं, आपकी बुक है करंट की, उसमें मैं आपको पेज बताता हूँ, उधर से हम पढ़ते हैं, देखिएगा ये पेज निकाल लें करंट की बुक में, जी 253, यस 253, उधर भी यही चीज़ होगी तो हम ज़्यादा उसको अच्छी तरह देख लेंगे। 253 ये है, क्वेश्चन आया हुआ है कि टू मी रीड एंड कास्टिंग एंड गैदरिंग एग्जाम्पलीफाई हैनीज पॉजिटिव विजन्स ऑफ आयरलैंड एक्सप्लेन 2011, इलस्ट्रेट हैनीज रिलेशनशिप विद आयरलैंड विद क्लोज रेफरेंस टू टू मी रोड एंड कास्टिंग एंड गैदरिंग, यानी इन दोनों में से आपने एक को क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी है इसकी। देखें द पोएम कास्टिंग एंड गैदरिंग प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ इंटरप्ले ऑफ सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स व्यू दैट इंस्पायर्ड पीपल टू रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। हैनी थिंक्स दैट द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन इज वाइटल, हैनी कहता है कि ओपिनियन के दरमियान जो डिफरेंस है ये बड़ा वाइटल है, ये बड़ा अहम है। कैसे? इट लीड्स टू प्रोग्रेस एंड हेल्थी इन्वायरमेंट ऑफ द को एग्जिस्टेंस। अगर आप को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ों इसकी रिस्पेक्ट आपको कॉम्प्रोमाइज रेकन्सिलेशन आपको लाना पड़ेगा। ही बिलीव्स दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विदाउट द कॉम्प्रोमाइज ऑन कंट्रेरीज। आप कंट्रेरी आइडियाज़ के दरमियान अगर फ़र्क इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं लाते तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप प्रॉस्पेरिटी और पीस नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सोशलिस्ट ये कहे कि मैं तो कैपिटलिस्ट के साथ बिजनेस नहीं करूँगा या उनके साथ नहीं चलेंगे, तो आप नहीं चल पाएंगे। यू हैव टू नॉर्मल योर सेल्फ, यू हैव टू नॉर्मलाइज, सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल। ये सब इंसानों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसमें नॉर्मलाइज करते हैं अपने रिलेशन को, ताकि वो पीस और हार्मोनी और प्रोग्रेस क्रिएट करें। वन मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर, एक को दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं, आप मेरी ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं उठ जाऊँगा वहाँ से,
तू कहता है कि ओपिनियन जो है ना इंसान का डिफरेंट हो सकता है, आप ओपिनियन की बेस्ड पर किसी से नफरत ना करें, आप उनके साथ उसकी रिस्पेक्ट करें उसके आइडियाज, तो फिर सोसाइटी चल सकती है। ही बिलीव्स दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन कंट्रेरीज, विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन कंट्रेरीज। वन मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर। The gap between the two opposite ideology must not be too wide to be covered. यानी gap आप इतना ना बढ़ा दें कि उसको cover ही ना किया जाए। With the centuries, कहता है with the passage of the century, century के गुजरने के साथ ये distance कम नहीं हुआ। Seamus ही नहीं कहता है ये बड़ा है, ये कम होना चाहिए था, इसलिए नफरतें ज़्यादा हैं। The gap between the two opposite ideology must not be too wide to be covered. Therefore, there must be some meeting point. इनके दरमियान एक meeting point होना चाहिए। अगर meeting point होता तो peace होता, harmony होती, integration होती, unity होती, लेकिन ये society ये लोगों में नहीं है। आगे वो कहता है ideology must not be too wide to be covered, therefore there must be some meeting point between the two opposite philosophies. So the poet is very optimistic and wishes that the culture of tolerance and harmony must be developed among the people. Yani logon ke darmiyan harmony, logon ke darmiyan kehta hai tolerance aur iska culture jo hai ye parwan chadhna chahiye. This shows Heaney's humanism and pacifism. ये हैनी की ह्यूमनिज्म और पैसिफिज्म को शो करता है, अमन पसंदी को, इंसानियत को शो करता है। इन फैक्ट ही वांट्स टू से दैट देयर शुड बी नो एंटागोनिज्म बिटवीन द टू अपोजिट आइडियोलॉजी। इनके दरमियान एंटागोनिज्म नहीं होनी चाहिए, इनके दरमियान क्या नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। दे एक्चुअली आपने देखा होगा अगर हमारे आइडियाज किसी से नहीं मिलते, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ अपनी सोसाइटी से, हम उनके पास बैठना ही पसंद नहीं करते, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं चाहते। ये हमारे अंदर मौजूद है, ये किसी हद तक हमें हम रिलीजियस लेवल पे देख लें, बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस सेक्ट्स हैं वो भी एक दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहते, वो ये ठीक नहीं है। फिर उस पर हम दूसरे मकबे फिक्र जो हैं वो, और उसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करती, आम लोगों को। यानी इस तरह हमारी जो क्लासेस बनी हैं, जो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो वो देख लेते हैं ये लोअर ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है तो अपर क्लास वाले उसको लाइक नहीं करते, उसके उसकी आइडियोलॉजी ही सुनना नहीं चाहते। हमने जेन ऑस्टन को जो हमने जेन ऑस्टन के बारे में पढ़ा, वो जेन ऑस्टन ने कैसे आइडियोलॉजीज जो थ्री लॉ जो क्लासेस वहाँ पे दिखाई हैं, जैसे वो मिडिल अपर क्लास, अपर और मिडिल क्लास को कह क्या समझते हैं कि इनकी जो औरतें हैं वो क्या, वो स्टेप की वो तलाश में होती हैं ताकि वो प्रोग्रेस हासिल करें। यानी उन्हें लेडर एक सीढ़ी चाहिए होती है, सीढ़ी पे कदम रख के वो तरक्की करें, आगे जाएं। तो मिडिल क्लास के लोग इस तरह के होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज जो हैं वो दूसरों को एडजस्ट नहीं करते उसमें। मिस्टर डार्सी की प्रॉब्लम क्या है, मिस्टर डार्सी जो है वो प्यार करता है एलिजाबेथ से, लेकिन मिस्टर डार्सी ये सोचता है कि अगर मैं उसके साथ मोहब्बत का इजहार करूँगा तो मेरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी, मेरे क्लास के लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मैं अपर क्लास ये मिडिल क्लास। तो ये चीज़ें जो है ना, कहता है इनके दरमियान, Seamus Heaney कहता है कि इनके दरमियान कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। This shows Heaney's humanism and pacifism. In fact, he wants to say that there should be no antagonism between the two opposite ideology. They actually lead to the common goal of human welfare and development. In this poem, poet illustrates क्या illustrate करता है his view with the example of farming. वो farming की उसने example दी है। अब देखें रूसो और यानी जो फ्रेंच फिलासफर है और उसके साथ जर्मन फिलासफर है हीगल, अब उन दोनों की आइडियोलॉजी समझाने के लिए उसने फार्मिंग का कंसेप्ट दिया। ये सिंबल है ना, उसने सिंबलिज्म यूज़ किया। क्या कहता है कि एक साइड पे एक
एक सोइंग कर रहा है और दूसरा उसको हार्वेस्ट कर रहा है। सोइंग वाला ये कहता है कि हार्वेस्टिंग वाले नकम्मे हैं, हार्वेस्टिंग वाला कहता है सोइंग वाला जो सो कर रहा है बीच बो रहा है वो बिल्कुल निकम्मा है, उसे तो कुछ नहीं मिल रहा, वो तो अभी बो ही रहा है, मैं तो काट भी रहा हूँ। तो कहता है नो वी शुड ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज, इन दोनों के दरमियान जो एक्सट्रीम थाट्स हैं इनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज का नाम ही पीस हार्मोनी और लाइफ है। अब वो दोनों आइडियालॉजीज को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, कहता है दे एक्चुअली यूज टू यू लीड टू द कॉमन गोल, उन दोनों का गोल जो है वो कॉमन है, चाहे वो सोइंग कर रहा है चाहे वो रीपिंग कर रहा है। आगे कहता है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट चाहते हैं एंड प्रोडक्ट चाहते हैं, कुछ चीज क्रिएट करना चाहते हैं। इन द पोएम द पोएट इलस्ट्रेट हिज व्यू विद द एग्जांपल ऑफ फार्मिंग, ही रेफर्स टू द टू स्टेजेस ऑफ द सोइंग सीड एंड रीपिंग अ क्रॉप। अपेरेंटली कहता है नमाया तौर पे क्या हम देख रहे हैं, दीज टू एक्ट्स आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर, बट देयर ये एक पैराडॉक्स है कि आपको वो दिखने में तो ऐसे लगे कि ये बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, पैराडॉक्स हैं, दूसरी पहले के उल्ट है, पहली दूसरे के उल्ट है, उसके रिवर्स है, वाइस वर्सा है, लेकिन वो एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। आप गुड ना हो तो आप ईवल का कंसेप्ट ही ना हो। चलें जी, अगर हम सिर्फ हमारी लाइफ में गुड ही हो ईवल ना हो तो आप गुड को पहचान ही नहीं सकेंगे। मैंने एक पॉलिटिशियन को एक बयान उसका मैंने सुना, कहता है मुझे पता होता कि ये निज़ाम इतना 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 बुरा निज़ाम है पाकिस्तान का तो मैं सबसे पहले इसको ठीक करता। इसका मतलब है कि उसने सोसाइटी में बाहर निकल के देखा ही नहीं क्या हो रहा है। उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है तो मैं सबसे पहले पॉलिटिशियन के, मैंने खुद कमेंट सुने, कहता मैं इसको ठीक करता, मैंने देखा ही नहीं इतना इतना खतरनाक निज़ाम है अंदर। तो अगर आपने लिटरेचर आपको लाइफ सिखाता है, लिटरेचर आपको जिंदगी सिखाता है, लिटरेचर है ही लाइफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी में हो रहा है उसको अपने जो लिटरेरी योनरस हैं उसके जरिए वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। लिटरेचर किसी कौम को पढ़ना है उसका लिटरेचर पढ़ लें, आपको उनकी लाइफ आपके सामने नजर आएगी। तो ये आपको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है, ये बताता है बात कैसे करनी, ये बताता है लोगों पे सवाल कैसे आए, ये आपको टीच करता है, ये आपको गाइड करता है, ये आपको सूत करता है। लिटरेचर आपको आपकी प्रगेशन करता है, कथारसिस करता है, ये सारे अमल हैं लिटरेचर के। हैनी ट्राइज, हैनी क्या कहता है, ट्राइज टू कन्वेंस, कहता है अपेरेंटली दीज टू एक्ट्स आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों दिखने में बड़े कहता है अपोजिट लगते हैं, बट इट इज अ पैराडॉक्स एंड वन कंप्लीट्स अदर, एक जो है प्रोसेस वो दूसरे को कंप्लीट करता है और ये एंड प्रोडक्ट बनाता है। जैसे गुड हो तो ईवल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ गुड है आप ईवल को जान ही नहीं पाएंगे, अगर ईवल ना हो तो वो गुड कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड जो है ये साइड बाय साइड चलती है, वो कहता है ये पैराडॉक्स की शक्ल में ये साइड भी एक दूसरे को कंप्लीट करता है। हैनी ट्राइज टू, आगे हैनी क्या करता है, हैनी ट्राइज टू कन्वेंस हिज ट्राइज टू कन्वेंस हिज रीडर टू डेवलप म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज कॉन्फ्लिक्ट टू अवॉइड द सोसाइटी फ्रॉम मैनी इल्स। हैनी सेज, हैनी कहता है दैट द सोसाइटी हैज अ लॉन्ग बीन डिवाइडेड इन टू द अपोजिट आइडियोलॉजी बट पीपल शुड ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। ये बड़ी लंबे अरसे से वो जैसे कहता है कि मैं काफ़ी लंबे अरसे से इनको देख रहा हूँ, ये कास्टिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, एक जो है दूसरे पे लाफ करता है जबकि दोनों जो हैं एक दूसरे का को कॉम्प्लीमेंट करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं इनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज लाना ही कहता है पीस हार्मोनी है। द रिवर इन दिस पोएम इज द रिवर ऑफ लाइफ, इट्स टू बैंक्स, इसके दो किनारे हैं, द लेफ्ट एंड द राइट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द लेफ्टिस्ट, एक है लेफ्टिस्ट है और दूसरे जो हैं वो राइटिस्ट हैं। राइटिस्ट क्या कहते हैं कि हम ठीक हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं हम ठीक हैं, एक को सोशलिज्म ले लें एक को कैपिटलिस्ट ले लें। ही गिव्स सम पर्सनल इंप्रेशन टू पोंडर होता है गौरव खोज करना ओवर दिस मैटर इन रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक वे। ही सीज
वो देखता है दैट द वर्कर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर्स आर डूइंग देयर वर्क्स. अब दोनों काम कर रहे हैं और एक कहता है मैं उससे बेहतर हूँ, वो कहता है मैं उससे बेहतर हूँ. एंड दे बिलीव इन वर्क, और अपने वर्क पर वो यकीन रखते हैं. ही कैन सी डिफरेंट एक्टिविटीज अराउंड हिम. असल में हैनी कहता है कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, जैसे मर्जी होनी चाहिए, दोनों आइडिया को कंबाइन करके दें, उनको ब्लेंड करके दें, करें. आपने रिजल्ट देना है, आपने कोई चीज़ बनानी है, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, आपने वेलफेयर का काम करना है, आपने लोगों के माइंड डेवलप करने हैं, आपने एजुकेट करना है, आपने उनको टीच करना है, आपने गाइड करना है, आपने एंड प्रोडक्ट बनाना है, आपने कुछ प्रोसेस को मिल के कंप्लीट करना है. कहता है डेवलपमेंट करनी है, एक ने कर ली है कर रहा है, पहला दूसरे पर ना हमसे दूसरा, दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज लाएं, ये पूरा उसका थीम है. आपने ये उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. ही कैन सी डिफरेंट एक्टिविटी द अराउंड हिम. ऑन द लेफ्ट बैंक द फार्मर आर बिजी इन सोइंग सीड एंड ऑन द राइट बैंक दे आर लुक्ड बिजी इन हार्वेस्टिंग. अब एक हार्वेस्टिंग में बिजी है, वो काट रहा है फसल, पहला ग्रो कर रहा है, सीड को बो रहा है. बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर द प्रोग्रेस, बोथ सीम टू बी राइट. अब दोनों ठीक हैं, लेकिन वो एक दूसरे को गलत कह रहे हैं. आप प्लेटो की आइडियोलॉजी पढ़ लें, आप कहेंगे प्लेटो से अच्छा कोई फिलासफर नहीं है. आप अरिस्टोटल को पढ़ लें, आपको लगेगा अरिस्टोटल से अच्छा कोई फिलासफर नहीं है. आप हीगल को पढ़ लें, हीगल से अच्छा कोई फिलासफर नहीं है. आप रूसो को पढ़ लें, रूसो से अच्छा कोई फिलासफर नहीं है. आप आगे आ जाएं, डेमोक्रेटस को पढ़ लें, या आप जितने भी फिलासफर हैं उनको आप पढ़ते जाएं, या कांट को पढ़ लें, लेम्यूल कांट को पढ़ लें, एक जर्मन फिलासफर है, वो आप कहेंगे बड़ी रेट्रिकल बात करता है, बड़ी लॉजिकल बात करता है, कन्वेंस करता है. तो जो आइडियोलॉजी आपको वो बताएगा, आपको वो अच्छी लगेगी. आपने बेसिकली उसमें कॉम्प्रोमाइज करके हार्मनी और पीस क्रिएट करना है. ये इंसान की कहता है कि ये टॉप उसकी उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. बो सीम टू बी राइट, कहता दोनों ठीक नजर आते हैं. द पोएट बिलीव्स इन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड आखिर में उसने कहा कि मैं डिफरेंस ओपिनियन के डिफरेंस पे बिलीव रखता हूँ. मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि लोग डिफरेंट ओपिनियन के साथ आए, मुझे अच्छा लगता है. मैं अपने बारे में अगर बात करूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग डिफरेंट कल्चर के साथ इकट्ठे रहें, डिफरेंट बिलीव के साथ. जैसे हमारे माशाल्लाह मुख्तलिफ जो प्रोवेंसेस हैं, वहाँ के लोग हैं, वो डिफरेंट कल्चर के साथ लेकिन इकट्ठे हैं. जैसे आप देख लें यूनाइटेड स्टेट है, तो वो कितनी स्टेट्स हैं उनका, एक वो कंट्री उन्होंने यूएसए बनाया हुआ, तो कैसे सारे लोग एक कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं. एक डिफरेंट कल्चर है और वो एक वैल्यू, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कल्चर भी डिफरेंट हैं, लेकिन वो फिर भी जुड़े हुए हैं. तो इसी तरह इंसान जो है प्रोग्रेस करता है अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के साथ करते हैं, उनके आइडियाज़ पे, उनके कल्चर पे, उनकी थॉट्स पे, और इन चीज़ों से को रिगार्डलेस होके, इन चीज़ों को से हट कर आप प्रोग्रेस की तरफ चलें, ना कि आप पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक्स जो डिफरेंसेस हैं इसके ऊपर लड़ें. The poet believes in difference of opinions and the difference of opinion leads people and society to progress. It provides a healthy environment of coexistence. Coexistence hota hai milkar rehna. People need to rise above social, political, religious and economics differences and work together to achieve the higher goal of human welfare. He says, wo kehta hai, without compromise on the contraries. कंट्रैरीज के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट आइडियाज जो हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मेरा आइडिया और है, आपका और है, मेरी फिलासफी और है, आपकी और है, हमने इसके दरमियान कोऑर्डिनेट करना है. हमने कॉम्प्रोमाइज़ और रेकन्सिलेट कर लेंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम इंजॉय करेंगे, पीस होगा, हार्मनी होगा, और सोसाइटी क्योस और डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होगी. It is very hard to live a life of peace and prosperity. अगर contrariness पे आप contraries ideas के ऊपर अगर आप compromise नहीं करते, reconciliate नहीं करते, आपकी life कभी भी अमन पुरमन नहीं गुजरेगी. The poet through his experience has come to know that the casting end of seed and gathering of crops are apparently two different stages, but these seemingly different activity have the same purpose. इसका पर्पस सेम है, ऑफ ग्रेन
ऑफ गेनिंग ग्रेन्स द पर्पस इज स्टिल द सेम. कहता है इसका पर्पस जो है वो सेम है. इट मीन दैट वन मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस. एक को दूसरे के ओपिनियन का लिहाज करना चाहिए, उसको उसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. द पोएम इज हाईली सिंबॉलिक. द साउंड हश एंड स्लश स्टैंड फॉर द फियर एंड होप. द रिवर सिंबलाइज द लाइफ. द साउंड इमेजेस आर यूज फॉर बाय हैनी. द स्विशिंग, स्विशिंग क्या है, मशीन है. द स्विशिंग नॉइज, द जैरिंग नॉइज एंड द लाउड नॉइज नॉइज ऑफ द मशीन इज द ब्यूटिफुल यूज ऑफ ऑडिटरी इमेजेस इमेजरी. Heaney has used the technique of the compound word which give peace pace to rhythm. The poet has also used the technique of alliterations. Alliteration usne kahan pe use kiya, years and years, isme y ka jo sound repeat hua hai, bank and silk sounds, still and standing sound etc. ye sari jo hai alliteration hai. Jab koi vowel sound jo jab consonant sound jo hai repeat hoti hai to usko hum kehte hain alliteration. We've discussed casting and gathering line-to-line translation. We've discussed background related to this poem, and we have also discussed one assignment, casting and gathering. Inshallah, tomorrow we'll study another poem by Seamus Heaney. Stay blessed and have a nice day.